आज हम यहाँ पर जो अनशन है उसे एकादशी के साथ एक व्रत की तरह कर रहे थे, उपवास, और वो भी मौन व्रत, ताकि किसी को हमारे वजह से कोई दिक्कत समस्या ना हो। और बहुत से लोग आ रहे थे, आना शुरू हुए थे बहुत से लोग, और फिर यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। जो आए थे बहुत शांति से मौन व्रत कर रहे थे, उनको पकड़ के बसों में ले जाके डिटेन करने लगे। यहाँ से ही मेरे सामने से कोई 61 लोगों को ले गए, फिर बैरिकेड से बाहर और भी गए होंगे। तो ये हमें बहुत हैरानी लगी कि जो लोग किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे थे, शांति से बैठे हुए थे, उनको इस तरह से पकड़ के ले जाके डिटेन करना। और बताया हमें ये गया कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लगी हुई है, और वो परमानेंटली लगी हुई है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कंटिन्यूअस सेक्शन 163। ये किसी भी देश के लिए, और खासकर लोकतांत्रिक देश के लिए, बहुत ही दुख की बात है अगर उन्हें पूरे राजधानी के दिल में, जहां कोर है, वहां पर ऐसी धाराएं वो भी परमानेंटली लगाना पड़े। क्योंकि ये धारा 144, 163, इनका नेचर होता है टेम्पररी नेचर, और इन्हें कोई कंटिन्यूअस नहीं रखता है, और ये होता है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सोशल डिस्टर्बेंस। अब यहाँ कोई सोशल डिस्टर्बेंस भी नहीं था, और ऐसा कोई वो नहीं था कि ये हम किसी यहाँ पे नारे कर लगा रहे थे, या कोई बैनर था, या कोई प्लैक कार्ड था। सब शांति से मौन व्रत कर रहे थे, और फिर परमानेंट इसका नेचर नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो फिर उस लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ये दिस इज नॉट राइट प्लेस टू डू प्रोटेस्ट और मौन व्रत ओवर हुआ, इसके लिए जंतर मंतर है दिल्ली में। नहीं, क्यों मौन व्रत के लिए क्यों नहीं है? जंतर मंतर पे आपको पता होगा जगह नहीं देते हैं, यहाँ करें वो करने नहीं देते हैं, 163 हर जगह लगा है, तो ऐसे में लोग कहाँ जाएं? क्या गलत था यहाँ करने का? क्यों लगा है पूरे दिल्ली में 163, पूरे नई दिल्ली में 163? ऐसा पहले नहीं होता था, ये 2020 से मैंने पता किया, तो 2020 से लगा, यानी कि उससे पहले अगर हम यहाँ करते कोई हमें रोक नहीं था। कि जो साथ साथी थे जिनको डिटेन किया गया, एकदम उनसे आपकी बात हुई है, तो कब तक उनको छोड़ा जाएगा, और आगे क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप आगे क्या करेंगे, आपका हेल्थ भी कर सकते हैं डाउन हो रहा है, तो उसको देखते हुए उनसे बात हुई, वो ठीक है, यहीं कहीं मंदिर मार्ग के पुलिस थाने में, शायद उनको आज शाम तक छोड़ा जाएगा। और मेरी तबीयत ठीक है, अब सातवें आठवें दिन के अनशन पे, जहां आपने सिर्फ पानी और नमक लिया हो, बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती है, मगर ठीक ही है जी। अपील यही है कि ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, आप ये मत सोचिए कि ये लद्दाख के कुछ लोग लद्दाख के लिए कर रहे हैं, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि जब हम लद्दाख और हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय का फायदा पूरा देश लेता है, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टि से हो या पर्यावरण के, जिसमें कि हमारे देश का पानी हिमालय से आता है, उत्तर भारत पूरा निर्भर करता है पानी के लिए। अगर हम हिमालय को संरक्षित ना ले रख के इसे बेच दें, इसे खिलवाड़ करें, शोषण करें, तो आज तो कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, मगर कल को आपके बच्चे पानी के लिए तरसेंगे, वैसे ही हवा के लिए तरसेंगे। तो ये पर्यावरण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए,
जो पार्टी जो नेता इस पर ध्यान दें उसे जनता को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी तरह हमारा मुद्दा है लोकतंत्र का कि लद्दाख में भी लोकतंत्र आए और एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत का हर नागरिक ये कोशिश करे कि लोकतंत्र भारत के सीमा तक पहुंचे। अभी हम लोकतंत्र से वंचित हैं लद्दाख में। वैसे ही तीसरा हमारा है सत्य की संघर्ष। जो वचन लद्दाख को दिए गए चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वो यही थे छठवें शेड्यूल के, जिससे कि लद्दाख और हिमालय को सुरक्षित संरक्षित रखा जा सके। उन पर अब सरकार बात भी नहीं कर रही है। हम यहाँ इतने दिनों से हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए हम मिल पाए अपने देश के शीर्ष नेताओं से। उसके लिए हम पैदल चलकर एक महीना 1000 किलोमीटर दिल्ली आए हैं, तो तब भी बात ना सुनना दुख की बात है। और सत्य को उठाए रखना हर नागरिक का जिम्मेदारी है। इसलिए ये सारे मुद्दे सिर्फ लद्दाख के नहीं है, पूरे देश के।